Hello friends, welcome to our YouTube channel हिमाचल वॉली लवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, हम उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने कुछ जो पार्ट थे, सेक्शन थे, कवर कर लिया। इस सेक्शन में मैं आपको हिंदी और मैथ के जो सम है उनको सॉल्व करूँगा। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। गाइस, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी का सेक्शन है पहले, तो पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ हिंदी का। और इसमें सबसे पहले मुहावरे दिए गए थे। सबसे पहला था इसमें 36 का आंकड़ा। तो गाइस, इसका जो सही उत्तर है वो है पक्की दुश्मनी। बहुत ही इजी मुहावरे पूछे हुए थे। दूसरा है आसमान सिर पर उठाना। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है सबको तंग करना। इससे आगे दिए हुए थे निम्नलिखित शब्द समूहों में से उस शब्द को चुने जो अन्य से मेल नहीं रखता हो। तो जो इसके सिमिलर नहीं थे आपने उसको टिक करना था। जैसे कि 35 से पहला पूछा है जूता, चप्पल, मोजे और बेल्ट। जूता, चप्पल और मोजे जो है तीनों के तीनों क्या है, आपस में सिमिलर हैं। तो इसमें से जो जो बेल्ट था आपका सही आंसर था। इसका जो डी पार्ट है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है नदी, झील, वर्षा और तालाब। नदी, झील और तालाब में तीनों में पानी भरा रहता है, और जो वर्षा है ये आपका सही उत्तर है। बिल्कुल डिफरेंट है। तो गाइस, इतना भी टफ नहीं था एग्जाम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सही शब्द चुने। तो आपने इन चारों में से सबसे सही शब्द चुनना था मातृभूमि। अब मातृभूमि को किस तरह से लिखते हैं यहां देख सकते हैं आप। इसका जो सही आंसर है वो सी पार्ट है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को किस तरह से लिखते हैं, तो इसका सही पार्ट है बी। नेक्स्ट है अवनि का विप्रार्थक शब्द चुने। अवनि का ये चारों के चारों जो है वैसे अवनि के ही अर्थ हैं, तो इसका जो विप्रार्थ का अर्थ है वो है अंबर। नेक्स्ट है गाइस, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण को चिन्हित करें। आपने इसमें से क्रिया विशेषण को बताना है कौन सा इसमें से क्रिया विशेषण है। हादसे के बाद मैं वहां से सरपट भागा। यहां पर जो सरपट है वो आपका क्रिया विशेषण है। तो इसका जो गाइस सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। रेलगाड़ी धीरे धीरे पहुंच गई। इसमें जो क्रिया हो रही है वो है धीरे धीरे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है रमेश इतना तेज दौड़ा कि बहुत आगे निकल गया। इसमें जो तेज है, तेज दौड़ना जो है, ये इसमें से सही आंसर है। तो इसका सही पार्ट जो है बी। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में क्रिया को चिन्हित करें। इसमें से आपने गाइस क्रिया को बताना था कि कौन से वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयोग हुई है। तो पहला है गया शहर किस प्रदेश में है। तो इसमें जो गाइस जो किस है ये यहां पर क्रिया है। नेक्स्ट है तुम अभी चुप रहो। इसमें जो चुप रहना है ये आपका क्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण लिखें। इसमें से आपने विशेषण बताना था, किसी की विशेषता बतानी है। लड़के ने लाल कमीज पहनी है। तो जो लाल है ये कमीज की विशेषता को बता रही है। तो इसमें से सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला है झील की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। झील की गहराई, इसमें जो
विशेषण है वो गहराई है। नेक्स्ट है लकोक्तियां, सफेद झूठ का जो अर्थ होता है वो है जो साफ पता चले कि झूठ है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है गाइस लाल पीला होना बहुत ही आसान है, सभी ने बिल्कुल सही किया होगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुस्सा आना। गाइस नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है रीजनिंग का सेक्शन। तो मैं जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का, फोर क्वेश्चंस गिवन बिलो आर बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए चार प्रश्न, नीचे दी गई 5-3 अंकों की संख्या पर आधारित है। आपने यहां से सिलेक्ट करके वैल्यू को बताना था। ये बोल रहा है फर्स्ट जो आपसे पूछा गया था, इफ द डिजिट ऑफ एवरी नंबर आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन द नंबर आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। तो गाइस जिसको मैंने सॉल्व किया है वो है 526। यदि आप चाहते हैं कि मैं इन जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं इन सबको सॉल्व करके बताऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर नेक्स्ट है इफ 2 इज एडेड टू द मिडिल डिजिट ऑफ द ऑल ऑड नंबर्स एंड 3 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर्स देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट नंबर ऑफ द न्यूली क्रिएटेड नंबर। आई थिंक गाइस ये जो क्वेश्चन है बहुत ही डिफरेंट है, तो इसका भी मेरे पास कोई सही जो उत्तर है वो नहीं मिल पाया है। तो गाइस जब भी मेरे को मिलेगा तो मैं इसको आपको जल्द ही बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट। इसका जो सही आंसर है वो है 32। नेक्स्ट है यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी संख्या सबसे बड़ी बनेगी। तो जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो है 638। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन से तीसरे स्थान पर आएगा। यहां पर जो वर्ड्स 4 ऑप्शन दी थी उनमें से आपने चूज करना था। इसका जो गाइस सही आंसर है वो है सी, मॉनेटरी। नेक्स्ट है आपका चूज द ऑड वन आउट, आपने इसमें से किसी एक को जो ऑड है उसको बताना था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ लेटर ऑफ द वर्ड। तो इस वर्ड से गाइज मेरा केवल एक ही जो है वर्ड्स निकल के आ रहा था वो था मेल्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट गाइज इसमें जो पैराग्राफ था इसमें रीड करके आपने हर एक के आंसर जो थे सही तरीके से देने थे। तो गाइज इसको मैंने सॉल्व किया है। तो इसमें से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो है निम्नलिखित में से किसने कैडबरी चॉकलेट खरीदी। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, डी ने। दूसरा था निम्नलिखित में से किस जोड़ी की ने समान संख्या में पैकेट खरीदे। जो समान संख्या में जिससे पैकेट खरीदे हैं वो है ए एंड डी। तो इसका सही आंसर है डी। अगला है निम्नलिखित में से किसने पार्क चॉकलेट खरीदी। जो पार्क चॉकलेट खरीदी वो है एफ। गाइस इसके जो आंसर हैं बहुत ही इजी थे, यहां से जो पैराग्राफ दिया हो गया था आपको इसी में से हमने ढूंढ कर निकाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ पैकेट्स बॉट बाय सी एंड डी।
ये बोल रहा है कि सी और डी के द्वारा खरीदे गए पैकेटों की संख्या में क्या अंतर है। इसका जो सही आंसर है वो है ए, जो डिफरेंस है वो ए का है। इससे अगला जो है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ पैकेट बॉट बाय एफ सी एंड डी टुगेदर। ये बोल रहा है एफ सी और डी ने जो मिलकर एक साथ पैकेट खरीदे उनकी औसत संख्या क्या थी। उसकी औसत संख्या जो है वो है 4। तो इसका सही आंसर है वो है बी, चूज द ऑड वन। जो ऑड वन है इसको बताना था आपने नेक्स्ट जो रीजनिंग का जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जापान, चाइना, इंडोनेशिया, तीनों के तीनों हैं गाइज, ये तो देशों के नाम हैं, लेकिन जो ये कुआलालंपुर है ये हमारा एक ऑड है। तो हमारा जो सही आंसर है वो सी है। इफ टुगेदर इज कोडेड एट, अभी कोड करके दिया गया है आपको, तो इस तरह से आपको पैरोल करके वर्ड दिया गया है, इसको आपने इसी तरह से रीअरेंज करना है। तो इसका जो गाइस सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट जो पूछा गया था आपसे काफी इजी था, इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे देन व्हाट विल बी द फिफ्थ डे आफ्टर द 21st डे ऑफ द सेम मंथ। आपसे पूछा गया था यदि माह का तीसरा दिन सोमवार हो तो उसी माह के 21वें दिन के पश्चात पांचवा दिन कौन सा होगा। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है बुधवार, वेडनेसडे। नेक्स्ट है गाइज 80, पांच लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है, जयंत प्रदीप से अधिक लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है, कौन सबसे लंबा है। तो गाइज इसमें जो सबसे जो लंबा है वो है राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो सेक्शन है वो मैथ का है, बट इसमें से थोड़ी सी इंक्लूड रीजनिंग भी है। तो जो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, निम्न क्रम में से गलत नंबर को ज्ञात कीजिए। जो इसमें से जो गलत था आपने उसको बताना था। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो ए, 2760। ये जो है एक रॉन्ग नंबर है, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा सकता हूं। गाइस यदि मैं सॉल्व करूं तो पहले मैं इनका सम निकाल देता हूं। जैसे इसका जो फर्स्ट का सम आया है वो है 19, मैंने इन सभी वैल्यू का सम निकाल के अलग अलग किया है। अपने अपने मेथड होते हैं, सभी ने अपने मेथड से किया है, तो मैंने भी अपने मेथड से किया है। पहला जो है इसका 19 था, फिर 16, इसकी जो कैलकुलेशन है 15, और नेक्स्ट वन है इसका जो सम आया है आपका 18 है, और नेक्स्ट है 19, एंड लास्ट वन इज 15। तो गाइज सबसे पहले मैंने इनका डिफरेंस जो चेक किया तो 3-3 का डिफरेंस है, इसमें 1 का, इनके बीच 3 का, और फिर से बैक जब चेक किया गया तो 1 का। लेकिन यहां से 19 और 15 के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो -4 का है, जो कि लास्ट जो हमारा डिजिट है 2760 है ये डिजिट है। तो गाइज इसीलिए ये जो नंबर है ये रॉन्ग नंबर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, 5000 में से कुछ राशि 10% प्रतिदर और बाकी राशि 20% दर प्रतिदर वर्ष पर उधार दी गई। अगले 2 सालों में इनका जो राशियों का जो साधारण ब्याज मिला वो ₹1700 था। कितनी राशि थी जो 10% प्रतिवर्ष पर उधार दी गई। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो 1500 है। इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके बता दूंगा। हमारे इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक मैथ के पोर्शन के लिए। तो अभी हम सिर्फ इनके जो आंसर हैं इनको देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि माता और पिता की आयु का जो अनुपात है 9:9:8 है,
8 था जब उनके पुत्र का जन्म हुआ। इनकी पिता और माता की आयु अनुपात, इनका अनुपात 17:16 होगा जब उनके पुत्र की उम्र उनकी अभी की उम्र की 2 गुना होगी। तो पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना था। तो इसका जो गाइस जो सही उत्तर आया है वो है 13:12। नेक्स्ट है आपका, अ ट्रेन क्रॉसिस द प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड। ये बोल रहा है कि यदि एक ट्रेन प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई 240 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई आपने निकालनी थी, जो कि एक मैंने सॉल्व किया तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आया, क्वेश्चन गलत है। तो गाइस नेक्स्ट है आपका, इसी मैथ के सेक्शन में है, तो इसमें से पूछा गया था, सिंपलीफाई करना था अपने पहले क्वेश्चन को, मैंने इसको सिंपलीफाई किया है। तो मेरा जो आंसर आया है इसका है बी पार्ट। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया था कि राम की 5 अलग परीक्षाओं की औसत जो है 46.5 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि उसके 2 स्कोर जो है 38 की जगह 40 और 36 की जगह 32 लिखे गए, तो उसकी सही औसत निकालनी थी। तो मैंने जो औसत निकाली है गाइस वो है 46.9। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया था कि ए और बी एक एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो बी 20% ज्यादा कुशल है ए से। अगर सी उसी कार्य को 6 ज्यादा दिनों में करता है तो बी और सी को मिलकर कार्य खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। तो गाइस इसका जो सही आंसर है 6×2/13, ये जो सही आंसर है ये आया है। तो इसका था वैसे 80/13, तो सॉल्व करके जो फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 28, इसमें पूछा गया था त्रिभुज के बारे में, जिसका सही आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट गाइस, हमने अप्रॉक्स सभी सॉल्व कर दिए गए हैं। तो गाइस यदि आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट होगा, तो गाइस आप नीचे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की ही वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और हमारी भी इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।